आगे बढ़ते हैं मॉर्निंग जी में बात अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषण एक बार फिर से थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि कल के मुकाबले प्रदूषण थोड़ा ही बढ़ा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बुधवार को फिर से गंभीर श्रेणी में जा सकता है। आज सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI महज 218 रहा, नोएडा में प्रदूषण का स्तर 284, ग्रेटर नोएडा में एयर इंडेक्स 202 और गाजियाबाद में 261 AQI दर्ज किया गया है। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि गुरुग्राम में प्रदूषण स्तर में थोड़ी कमी आई है और इंडेक्स यहां पर ठीक ठाक है। फिलहाल गुरुग्राम में 197 दर्ज किया गया है। पिछले 1.5 हफ्ते के बाद बहुत बेटर है, कम से कम 1 हफ्ता कोई साइकिलिंग नहीं हुई, तो अब जाके लास्ट संडे भी, ये संडे जो गया बहुत बढ़िया था, 140 धूप निकली हुई थी, आज भी बहुत बढ़िया 130-140 के बीच में। अब अगर विंड्स ऐसी चलती रही तो आई थिंक सो पोल्यूशन कम रहेगा। बाकी अब जो स्टबल बर्निंग चल रही है उसका कोई सलूशन तो है नहीं, बस यही है कोशिश है कि जल्दी से जल्दी टेम्परेचर भी बेटर हो और पोल्यूशन तो कम हो ही हो। और दिल्ली में प्रदूषण का मिजाज अब कुछ बदला सा नजर आ रहा है। सोमवार को दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ था, हवा में प्रदूषण का लेवल भी काफी कम रहा। दिल्ली में प्रदूषण की कई वजहों के बारे में आपको हमने बताया भी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो वजह जिसने दिल्ली के प्रदूषण को काबू करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया है। शमशमाती सड़कें, शानदार साइनबोर्ड, घुमावदार और चौड़ी सड़कें विदेश में आने का एहसास कराती हैं। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। यही वो वजह है जिसने दिल्ली को डीजल और ट्रकों से निकलने वाले धुएं से मुक्त कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की वजह से ही अब दूसरे राज्यों की गाड़ियां दिल्ली के बाहर से निकल रही हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मई 2018 में खोला गया था और उसके खोले जाने के बाद तकरीबन 6 महीने बाद नवंबर 2018 को दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI जो एजेंसी है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, उससे एक पूरा सर्वे कराया और उस सर्वे में ये पाया गया कि इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बनाए जाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण 7% कम हुआ इसके बनाए जाने की वजह से। एक्सप्रेसवे से हर दिन करीब 10,000 गाड़ियां निकलती हैं। एक्सप्रेसवे पर हर दिन 60% कार, 32% ट्रक और 8% दूसरी गाड़ियां निकलती हैं। यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यूपी और हरियाणा से प्रदूषण और ट्रैफिक का बड़ा बोझ दिल्ली में कम हो गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जो पॉल्यूशन कम हुआ उसका आंकड़ा नवंबर 2018 में ही आ गया था खुलने के 6 महीने बाद कि 7% पॉल्यूशन कम हुआ है दिल्ली में इसके खुल जाने के बाद, क्योंकि पूरा जो हैवी व्हीकल का जो ट्रैफिक था, जो ट्रक थे, जो बसेस थे, जो भारी वाहन थे, वो पूरे के पूरे डाइवर्ट हो गए, जो दिल्ली के अंदर से पहले प्रवेश करते थे, अब वो ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होके गुजरते हैं और उसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को लेकर किया गया सर्वे ताजा नहीं है, लेकिन सर्वे के जो नतीजे आए हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि मौजूदा वक्त में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने दिल्ली के प्रदूषण को और कम किया होगा। एक्सप्रेसवे खुलने से जो व्हीकल, स्पेशली ट्रक्स, जो दिल्ली के लिए जिनको आने का कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉट बाउंड फॉर दिल्ली, वो वहाँ बाईपास करके जा सकती है। उससे हमने देखा कि करीब 7% पोल्यूशन लोड जो है कम होता है दिल्ली में। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। फिलहाल ऑड इवन का प्रयोग दिल्ली सरकार ने किया है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।